हेलो वेलकम स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट किए, आज हम जैसे पोएम के पढ़ रहे थे, आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन सेकंड। और इसका नाम है द डायमंड नेकलेस। तो यहाँ पर जो डायमंड नेकलेस है मीन्स हीरे का हार, यहाँ पर यह जो लेसन है इस नेकलेस पर आधारित है, मीन्स इसी के संबंधित जो कहानी है वह डायमंड नेकलेस के चारों ओर घूमती है। एंड रिटन बाय मो पसंत, समरी इन इंग्लिश। मेथिल्ड लुइजल वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। मेथिल्ड एक, यहाँ पर जो द डायमंड नेकलेस है यह लुइजल और मेथिल्ड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी कहानी है। मेथिल्ड लुइजल वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। मेथिल्ड लुइजल एक सुंदर युवा महिला थी। शी वॉज बोर्न इन अ मिडल क्लास फैमिली, और वह एक मध्य वर्ग परिवार में जन्मी थी। शी वॉज वेरी एम्बिशियस, लेकिन वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि जैसे कि महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक अभिलाषाएं या इच्छा होना, तो उसी को हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में जैसे कम पैसे हैं, लेकिन हम कुछ बड़ी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो उसी प्रकार की वह मध्यम वर्गीय परिवार में थी, लेकिन वह एक अमीर व्यक्ति के जैसे विलासी जीवन जीना चाहती थी। शी थॉट दैट शी हैड नथिंग टू फील प्राउड ऑफ, और वह हमेशा महसूस करती थी कि उसके पास में गर्व महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर टू मेरी अ रिच मैन, और इसके अलावा जैसे कि वह मिडल क्लास फैमिली से थी, इसलिए यह भी संभव नहीं था कि वह एक रिच मैन से शादी करे। सो शी गोट मेरिड टू अ क्लर्क, और इसलिए उसने क्लर्क से शादी कर ली। एंड दिस क्लर्क वाज सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और यह जो क्लर्क था वह मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में कार्य करता था। मेथिल्ड बींग हाईली एम्बिशियस वॉज नॉट हैप्पी, और मेथिल्ड अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण वह खुश नहीं थी। बिकॉज शी कुड नॉट लीड अ लग्जरियस लाइफ, क्योंकि वह एक विलासी जीवन नहीं जी पा सकी थी, इसलिए वह खुश नहीं थी। शी हैड टू वियर सिंपल क्लोथ, उसको सिंपल कपड़े पहनने पड़ते थे। एंड हैड टू लिव इन अ मेडियोकर अपार्टमेंट, और उसको मध्यम श्रेणी के अपार्टमेंट में रहना पड़ता था। मेडियोकर का अर्थ होता मध्यम श्रेणी, और उसे एक मध्यम श्रेणी के घर में रहना पड़ता था, और जिसकी दीवारें पुरानी थी और फर्नीचर्स भी पुराने थे और कर्टन्स भी पुराने थे। और शेबी का अर्थ वैसे यहाँ पर टूटे फूटे भी अर्थ होता है इसका। एंड शी वॉज जेलियस ऑफ हर ओन क्लासमेट्स, और वह अपने स्वयं की जो क्लासमेट्स थी उससे ईर्ष्यालु थी, उनसे ईर्ष्या करती थी। हु वर रिच, जो अमीर थे। शी फेल्ट स्मॉल एंड वुड वीप आफ्टर विजिटिंग देम, और वह स्वयं को छोटा समझती थी और उनसे मिलने के बाद में रोती थी। इन दिस वे शी वॉज जीलियस ऑफ हर ओन क्लास स्कूलमेट्स, और वह उसके स्वयं के जो स्कूलमेट्स थे उनसे ईर्ष्या करती थी। हु वर रिच, जो कि अमीर थे। एंड शी फेल्ट स्मॉल एंड वुड वीप आफ्टर विजिटिंग देम, और वह स्वयं को छोटा समझती थी और उनसे मिलने के बाद में रोती थी। वन डे हर हस्बैंड ब्रोट हर एन इन्विटेशन कार्ड, और एक दिन उसका हस्बैंड उसके लिए एक इन्विटेशन कार्ड लेकर के आया। बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी, लेकिन वह बहुत खुश नहीं थी। बिकॉज शी हैड नो गुड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स टू वियर ऑन द ओकेजन, क्योंकि उसके पास में उस अवसर के लिए, उस पार्टी के लिए अच्छे और सुंदर कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। सो हर हस्बैंड अरेंज टू बाई अ गाउन फॉर हर फॉर 400 फ्रेंक्स, और इसीलिए उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक गाउन खरीदने के लिए 400 फ्रेंक्स की व्यवस्था की। एंड ही हैड सेव्ड दिस मनी टू बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ, और उसने इस पैसों को बचा रखा था स्वयं के लिए एक बंदूक खरीदने के लिए। जैसे फ्रेंक्स है, फ्रेंक्स यहाँ पर एक मुद्रा का नाम है, जैसे कि रुपीज़ होता है, पैसों होता है, डॉलर होता है, इन द सेम वे फ्रेंक्स। He had saved this money to buy a gun for himself. As the date for the party came near, जैसे कि पार्टी के लिए डेट पास में आती जा रही थी। She looked sad again, वह बार बार
उदास दिखती थी। इट वॉज बिकॉज शी हैड नो ज्वेलरी बी फिटिंग द ओकेजन। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास में कोई भी आभूषण नहीं थे उस पार्टी को मैच करने के लिए या उसके लायक होने के लिए। बी फिटिंग का अर्थ होता है लायक होना। शी थॉट दैट शी वुड बी कंसाइडर्ड अ पुअर लेडी इन द पार्टी। और उसने सोचा कि वह उस पार्टी में एक पुअर लेडी या गरीब महिला के जैसे मानी जाएगी। कंसाइडर का अर्थ होता मानना या समझना। हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर। और उसका जो हस्बैंड थे लोइजल ने उसको सलाह दी कि वह अपने जो रिच फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर है उससे कुछ ऑर्नामेंट्स कुछ आभूषण उधार ले लें। यहाँ पर बोरो मीन्स उधार लेना। एंड पुअर लोइजल लाइक्ड दिस सजेशन। और जो जो इस प्रकार जो पुअर लोइजल या जो मेथिल्ड लोइजल थी उसने उनके सजेशन को पसंद किया था। नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड अ डायमंड नेकलेस। और अगले दिन वह उसके अपने फ्रेंड के घर गई और उसने डायमंड नेकलेस को उधार लिया। शी अटेंडेड द बॉल विथ हर हस्बैंड। यहाँ पर बॉल का ये वेस्टर्न डांस है और उसने उस वेस्टर्न डांस को अटेंड किया अपने हस्बैंड के साथ में। एंड एवरी वन वॉज पेइंग अटेंशन टू हर। और हर कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। शी वॉज द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल द वुमेन। और वह सभी महिलाओं में जितनी महिला वहाँ पर प्रेजेंट थी उनमें सबसे अधिक सुंदर थी। एंड ऑल द मेन वर फैसिनेटिंग विथ हर चार्म। और सभी जो व्यक्ति थे वह उसकी सुंदरता से आकर्षित हो रहे थे। फैसिनेट मीन्स आकर्षित होना। दे वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू हर। और वे सभी उससे परिचित होना चाहते थे। ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू डांस विथ हर। और जितने भी मिनिस्ट्री या मंत्रालय के जो अधिकारी थे उन्होंने उसके साथ में डांस करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया। इवन द मिनिस्टर टुक नोटिस ऑफ हर। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर था जो मंत्री था उसने भी उसकी तरफ ध्यान दिया। एंड शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाई प्लेजर। और वह उस खुशी में बिल्कुल मदमस्त हो गई। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स मदमस्त होना। एंड शी वॉज ग्रेटली एग्जाइटेड एंड हैप्पी। और वह बहुत अधिक उत्सुक और खुश थी। शी डांस्ड विथ पैशन। और उसने बिल्कुल धैर्य के साथ में डांस किया। शी फॉरगॉट एवरीथिंग इन द विक्ट्री ऑफ हर ब्यूटी। और वह अपनी सुंदरता की जीत में सब कुछ भूल गई थी। एंड फेल्ट इलेटेड ओवर हर सक्सेस। और वह अपनी सफलता पर बहुत अधिक खुशी महसूस कर रही थी। एंड शी डांस्ड एंड डांस्ड इन द होल टिल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और लगभग वह सुबह के 4 बजे तक हॉल में डांस करती रही। When she had finished her husband through the modest shawl। और जब उसने डांस समाप्त कर दिया तो जो उनके पास में मिस मोडेस्ट शॉल थी मिस यहाँ पर जो मध्यम वर्गी या जो मोडेस्ट मीन्स इतनी अच्छी मीन्स यहाँ पर कम पैसे वाली जो शॉल थी वह फेंकी उसकी ओर। ही हैड ब्रॉट फॉर हर जो कि वह उसके लिए लेकर के आया था। आफ्टर रीचिंग होम शी स्टूड बिफोर द मिरर। और घर पहुंचने के बाद में उसने मिरर के सामने देखा। शी वांटेड टू सी हरसेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी। और वह दोबारा स्वयं को अपनी जो ख्यातियां प्रसिद्धि में वापस देखना चाहती थी। हाउ एवर शी वॉज शॉक्ड टू सी दैट देयर वॉज नो नेकलेस अराउंड हर नेक। लेकिन उसे वह बिल्कुल दुखी थी या उसे झटका लगा या देख करके कि उसके गर्दन में नेकलेस नहीं था। एंड देन क्राइड इन डिसमे। और उसके बाद में वह निराशा में चिल्लाई। मेथिल्ड इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड। मेथिल्ड ने उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस कि वह नेकलेस को खो चुकी थी। एंड हर हस्बैंड वाज बीवेल्डर्ड। और उसका जो हस्बैंड था वह बेचैन था या घबराया हुआ था। बीवेल्डर्ड मीन्स घबराया हुआ या बेचैन। दे लुक्ड फॉर द नेकलेस एवरीवेयर बट ऑल इन वेन। और लगभग उन्होंने नेकलेस को हर कहीं देखा लेकिन वह व्यर्थ में। वेन का अर्थ होता है व्यर्थ। लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिला। मिस्टर लोइजल वेंट आउट टू सर्च इट ऑन द वे। और जो मिस्टर लोइजल थे वह भी उसको रास्ते में ढूंढने के लिए गए। शी वॉज वेटिंग इन हर बॉल ड्रेस। और वह अपने बॉल ड्रेस में प्रतीक्षा कर रही थी। शी हैड नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट टू गो टू बेड।
और उसके पास में कोई भी ताकत नहीं बची हुई थी बेड पर जाने के लिए। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock और उसका जो हस्बैंड है वह लगभग 7 बजे वापस आया। बट ही कुड नॉट फाइंड द नेकलेस एनीवेयर, लेकिन वह नेकलेस को कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाया। ऑन द एडवाइस ऑफ हस्बैंड, और उसके हस्बैंड की सलाह पर मैथिल्ड रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर, और मैथिल्ड ने मैडम फ्रोस्टियर उसके जो फ्रेंड थे उसको एक लेटर लिखा सेइंग दैट द क्लास्प ऑफ द नेकलेस वॉज ब्रोकन, यह कहते हुए कि नेकलेस का जो हुक था, क्लास्प मीन्स हुक, नेकलेस का जो क्लास्प था वह टूट गया था। सो इट हैड बीन सेंट फॉर रिपेयर्स, तो इसलिए यहाँ रिपेयर्स के लिए भेजा गया। इन दिस वे दे फाउंड अ नेकलेस सिमिलर टू द, इन दिस वे दे गोट सम टाइम टू बाई अनोदर डायमंड नेकलेस, इस प्रकार उनको कुछ समय मिल गया था दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए। एंड आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अदर, और इस प्रकार एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाने के बाद में एट लास्ट दे फाउंड अ नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन, और उनको अंत में उसी प्रकार का जो खोया हुआ हार था उसके जैसे नेकलेस मिला। एंड द शॉप कीपर डिमांडेड 40,000 francs एज इट्स प्राइस, और जो शॉपकीपर था उसने 40,000 francs की मांग की जैसे कि उसकी कीमत थी। एंड द बार्गेन फाइनली वाज सेटल्ड फॉर 36,000 francs, और जो सौदा था अंततः 36,000 में सेटल हुआ। मैथिल्ड्स हस्बैंड हैड ओनली 18,000 francs विद हिम, और मैथिल्ड के हस्बैंड के पास में केवल 18,000 francs ही थे। ये बोरोड द रिमेनिंग 80,000 francs ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उनको जो 18,000 francs थे वह अत्यधिक ब्याज की दर पर उधार लेने पड़े। एंड दे बोर्ड द नेकलेस एंड सेंट टू मैडम फ्रोस्टियर, और उन्होंने नेकलेस को ख़रीदा और मैडम फ्रोस्टियर को भेज दिया। शी डिड नॉट केयर टू सी इट, और उन्होंने भी उस पर देखने की चिंता या उसने उस पर ध्यान नहीं दिया देखने में। ओके, थैंक यू।